नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564505096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, UPPCS प्री, BPSC, MPPCS, UPPSC RO एग्जाम सहित का पेड कोर्स चल रहे हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दो नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वह 67.68% है और इसमें जो है पुरुष साक्षरता दर जो है वह 77% है, 77.28% है, और महिला साक्षरता दर जो है वह आपका 57 है, 57.78%। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। चीनी मिट्टी सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, डोलोमाइट बांदा, रॉक फॉस्फेट झांसी। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन डी, रॉक फॉस्फेट जो है वह झांसी में नहीं यह ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर में जो है पाया जाता है रॉक फॉस्फेट। चीनी मिट्टी जो है यह सोनभद्र और वह बांदा में ही पाया जाता है, बांदा में। बलुआ पत्थर जो है वह मिर्जापुर में, डोलोमाइट जो है बांदा में। इसका तीनों ऑप्शन जो है सही सम्मिलित है, ABC और डी जो है सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है माड़ मृदा पाई जाती है। कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के जो है बुंदेलखंड जो जिला है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, उन जिलों में जो है माड़ मृदा पाई जाती है। और माड़ मृदा में जो है सिल्का, लोहा, एल्युमिनियम जैसे तत्व जो है पाए जाते हैं और इन मृदा में कृषि करना कठिन होता है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिंध, सिंगरौली, बुंदेलखंड या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में जो है सिंगरौली क्षेत्र पड़ता है, जो जिसका कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में भी है। यह जो है कोयला बेल्ट है, कोयला क्षेत्र है। तो जो सोनभद्र में जिला, सोनभद्र जिले में जो है उत्तर प्रदेश के कोयला पाया जाता है, जो सिंगरौली क्षेत्र कहलाता है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला मुजफ्फरनगर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो इसका जो सही सम्मिलित नहीं है वह आपका ऑप्शन सी, सही कथन जो है नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वह सहारनपुर है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, सहारनपुर जो है उत्तरी जिला है और सबसे दक्षिणी जिला जो है वह सोनभद्र है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मूंग, अरहर, चना, मटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चना जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है बोई जाने वाली दलहन फसल है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आंवला का उत्पादक, सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन जो है सर्वाधिक किस जिले में होता है आपको ये बताना है। वाराणसी, कानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंवला का सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है वह प्रतापगढ़ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश में संतरे का, लखनऊ, सहारनपुर, उन्नाव, प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सहारनपुर जिले में जो है संतरे की खेती होती है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है, निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा से होता है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल या वाणिज्यिक फसल जो है वह गन्ना है, और निचली गंगा का जो उद्गम है वह बुलंदशहर जिले से जो है, बुलंदशहर जिले में नरौरा है वहीं से इसका उद्गम है, और इस नहर की जो शुरुआत हुई थी निर्माण की वह 1872 में, 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1878 में इसका निर्माण जो है पूरा कर लिया गया। यह कुल 12 जिलों में जो है सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है यह नहर। बुलंदशहर जो है यह गंगा नदी के जो है दाहिने तट पर स्थित है, बुलंदशहर गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और यह नहर जो है कुल 12 जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, उनमें आपका कासगंज हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ये सभी जिले जो हैं इनमें शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गोरखपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है, बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। दो स्टेटमेंट हैं, कौन सा सही है आपको ये बताना है। गोरखपुर जो है वह राप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, और उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी जो है बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, तो यह स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका ऑप्शन बी जो सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला और नलिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह नलकूप है, उत्तर प्रदेश में कुल 70% से अधिक जो है सिंचाई नलकूप से होती है। बात करते हैं इटावा की, तो इटावा जिला जो है सर्वाधिक अवनलिका अपरदन से प्रभावित जिला है इटावा उत्तर प्रदेश का, तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला, राई, कर्मा, मुरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुरिया नृत्य जो है यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजाति है मुरिया, उनके द्वारा जो है आयोजित किया जाने वाला लोक नृत्य है। चरकुला जो है यह आपके ब्रज क्षेत्र में आयोजित नृत्य किया जाता है, नृत्य जो है यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। राय नृत्य जो है यह आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड। और कर्मा नृत्य जो है यह आपका सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में जो है लोगों द्वारा, जनजातियों द्वारा लोक नृत्य किया जाता है कर्मा नृत्य, सोनभद्र और मिर्जापुर। इसका ऑप्शन डी जो है सही है, यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, मुरिया लोक नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है, सही है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में स्थित है, तो यह जो है गलत है, यह प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इसका ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है, कानपुर में, गोवर्धन में, संत कबीर नगर में, उन्नाव में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है वह गोवर्धन में लगता है, गोवर्धन में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का तीर्थ है, सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन, कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौशाम्बी जो है वह जैन व बुद्ध दोनों का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड लखनऊ में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी मेरठ में स्थित है। तो इसका जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला जो है गलत है। यह लखनऊ में नहीं, जो है कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थित है और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है यह मेरठ में स्थित है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश की स्थापना आगरा में कब हुई थी? 1949, 1953, 1960, 1971। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1949 में नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है आगरा में की गई थी 1949 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रयागराज में स्थित है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? संपत पाल देवी, ममता देवी, सुनीता देवी, कोमल देवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, बांदा जिले से जो है यह आंदोलन शुरू किया गया था महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, गुलाबी गैंग आंदोलन। और इसके जो नेता थे, नेता थी वह संपत पाल देवी, इसकी संस्थापक जो थी वह संपत पाल देवी थी। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में बरेली जिला दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र जो है वह मेरठ में स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसका सही है। उत्तर प्रदेश में बरेली जिला जो है दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। और उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र जो है वह मेरठ में स्थित है। बात करते हैं केंद्रीय की, तो भारत का जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वह शिमला में है, शिमला में है भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 2, 9, 5, 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है वह कुल 9 है। वैसे हैं ये 3, लेकिन ये तीनों जो है वह 3 उप भागों में जो है बांटा गया है, तो कुल मिलाकर जो है कुल 9 हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इखलास खान का रोजा या मकबरा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? बदायूं में, सहारनपुर में, झांसी में, बरेली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इखलास खान का मकबरा जो है वह बदायूं में स्थित है और इसका निर्माण जो है 1690 में करवाया गया था, 1690 में। इखलास खान की बीवी थी रोजा, जिनका नाम था रोजा, इन्होंने इसका निर्माण कराया था बदायूं में इस मकबरे का। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है, यह बदायूं में स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।